और ललन भाई जी का कहना है कि इसी खुशबू से जो दीमक है वो चली जाती है पौधे या पेड़ को छोड़ करके ऐसा अनुभव रहा आपका? जी बहुत सारे, काफी मैंने इसका प्रयोग किया है। मान लीजिए किसी छोटे पौधे में आप डालते हैं 50 ग्राम, तो वो कितने दिन में चली जाती है उसको छोड़कर? वो 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन लगता है, तुरंत ही चली जाती है, काफी निकलने लगती है, आपको दिखाई भी देगा, लेकिन अभी है नहीं यहाँ। घर में दीमक लगा हो तो भी चला जाएगा। दीवार सब में लग जाता है, चौखट किवाड़ में लगता है, उसमें पानी ये डाल दें, ये पानी का स्प्रे कर दें, स्प्रे कर दें अच्छी तरह से उसको भिंगा दें, तब उसी समय स्टेंट वो नीचे आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है ललन जी, ये आज आपको दीमक का नेचुरल इलाज बताएंगे। पेड़ पौधों में दीमक लग जाती है, उसको कैसे सस्ते में बिना किसी जहर का प्रयोग किए हुए नेचुरल तरीके से आप भगा सकते हैं, वो क्या तरीका है ललन जी पूरा बताएंगे। मैं इस वक्त हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू रोड पर, और यहाँ के तपोवन फार्मिंग सेंटर पर ये 90 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं, फलों के पौधे हैं उनमें ये नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं, इसी में इन्होंने दीमक का इलाज ढूंढा है, वो क्या इलाज है चलिए इन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ललन भाई पेड़ पौधों में लगने वाली दीमक का इलाज तो बताएंगे ही, साथ ही घर में लकड़ी के दरवाजे, खिड़की और अलमारी में दीमक को कैसे भगाएं इसका इलाज भी बताएंगे। ये इलाज बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप नेचुरल तरीके से दीमक से पेड़ पौधों और लकड़ी की चीजों को बचा पाए। हाँ, मैंने कई प्रयोग किया है इसका, कई पेड़ पौधे सब्जियों पर, तो दीमक इसे चला जाता है। जैसे ये बैरल देख रहे हैं आप, इसमें 200 लीटर पानी मैंने डाला और इसमें ये 100 ग्राम हींग का पाउडर डाल, इसको हम लकड़ी के डंडे से घुमाएंगे 5 से 7 मिनट, ये पूरा तैयार हो जाएगा। और जब हम पानी डालते हैं किसी भी पौधे में तो 100 ml पौधे के साइज के हिसाब से हम उसमें हींग के घोल डालेंगे। पौधे के नीचे पूरा गीला हो तभी उसमें हम हींग का घोल डाल सकते हैं, अगर हम ज़्यादा भी डालते हैं तो हो सकता है कि पौधा जल जाए, इसलिए पौधे का जो साइज है, अब देख रहे हैं यहाँ इस साइज का जो पौधा है इसमें हम 50 ml डालेंगे, जब ये पूरा गीला रहेगा तब इसका ये रिजल्ट है कि दीमक है इसके सुगंध गंध से ही दूर चला जाता। कई खेतों में प्रयोग किया और यहाँ पानी की थोड़ी भी कमी, गीली रहेगी थोड़ा कमी हुआ तो दीमक पकड़ लेता है। यहाँ तो नीम के पेड़ जो कहते हैं, नीम का पौधे में दीमक नहीं लगता है, नीम के खाद डालते हैं तो दीमक हट जाता है, और यहाँ नीम में ही दीमक लग जाते हैं ऐसा। तो ये हींग का ही है, किसी भी चीज में आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जैसा ललन भाई जी बता रहे कि हींग और को पानी में डालना है, लेकिन हींग का पाउडर लेना है। ये देखिए इन्होंने हींग का पाउडर लिया हुआ है, 100 ग्राम के करीब है ये। जी 100 ग्राम 200 लीटर का ड्रम है, इसमें 100 ग्राम ये देखिए हींग का पाउडर है। हींग को पीसने के बाद जो पाउडर बनेगा उसको अब ये इसमें डालेंगे। देखिए हींग का पाउडर अब डाल रहे हैं इसमें, ये 100 ग्राम 200 लीटर में हींग का पाउडर डाला है और अब इसको लकड़ी के डंडे से घुमाएंगे, ऐसा ही करेंगे जी। इसको 5 मिनट तक घुमाएंगे, 5 मिनट तक लगातार घुमाना है जी। ये पूरा घुल जाएगा और घुलने के बाद इसमें से हम, अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप में छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर ड्रिप लगा हुआ है तो अभी इसमें हम पानी नहीं डाला है, तो इसको हम कल डालेंगे। ड्रम में वेंचुरी लगा सकते हैं और उसके बाद ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, नहीं तो कहीं ड्रिप नहीं हो तो जब पानी पिलाते हैं ना उस समय में हम हर पौधे में साइज के हिसाब से, पहले भी बताया अगर बड़ा हो तो 100 ml, छोटा हो तो 50 ml, इस ड्रम में से 50 ml छोटे के लिए, 100 ml बड़े के लिए जी। लेकिन जब पूरा पौधा गीला हो तब सूखे में नहीं डालना, यानी कि पहले पानी देना है, पौधे की जड़ में पानी होना चाहिए, सूखे में नहीं डालना, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है, दुष्प्रभाव हो सकता है, उसके रूट खराब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्म होता है ही, ठंडी के समय तो कुछ होगा नहीं लेकिन गर्मी के समय में जल सकता है पौधा। अब ये तैयार हो गया, सूंघ के देखिए पूरा पानी हींग की तरह हो गया है, अब इसके गंध से ही जो भी होगा दीमक वो दूर चला जाएगा, उसको छोड़ देता है। देखिए 100 ग्राम हींग 200 लीटर पानी में डाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरे में हींग ही हींग है, यानी कि बड़ी जबरदस्त इसकी खुशबू है, और ललन भाई जी का कहना है कि इसी खुशबू से जो दीमक है वो चली जाती है पौधे या पेड़ को छोड़ कर ऐसा अनुभव रहा आपका? जी बहुत सारे, काफी मैंने इसका प्रयोग किया है, अभी यहाँ दीमक कम है। मान लीजिए किसी छोटे पौधे में आप डालते हैं 50 ग्राम, तो वो कितने दिन में चली जाती है उसको छोड़कर? वो 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन लगता है, तुरंत ही चली जाती है, काफी निकलने लगती है, आपको दिखाई भी देगा, लेकिन अभी है नहीं यहाँ। अच्छा, मतलब आपने डाल के देखा है तो उसका प्रभाव नजर आया कि वो निकल कर जाने लगते, एक ही बार डालना है या फिर कई बार डालना? एक ही बार डालना, जब लगे कि दीमक है, यानी 6 महीना तक तो आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम नए पौधे लगा रहे हैं, जैसे आम का पौधा, आम में भी लग जाता है, जिसके रूट में मिठास होता है ना उसमें दीमक लगता है, आम का पौधा लगाने से पहले गड्ढा करना है कम से कम 1.5 से 2 फुट, और गड्ढे के नीचे लास्ट शुरुआत में
वहीं हींग एक चम्मच डाल देना है और पानी थोड़ा सा डाल के उसको घोल दे। उसके बाद गोबर मिट्टी डाल के फिर पौधे लगाना है। अच्छा, उसमें हींग डाल दें एक चम्मच, हींग का पाउडर? जी, हींग का पाउडर डाल दें और पानी उसमें डाल दें, एक लीटर पानी, और वहाँ घोल दें उसको नीचे। उसको घोल दें नीचे ही, तो दीमक नहीं लगेगा? नहीं लगेगी दीमक। आम में ज्यादातर लगता है, कोई भी फल के पौधे में ना, जैसे चीकू है, अनार है, इस समय दीमक लगते हैं, नाशपाती है। तो ये आपने बताया कि अगर पहले लगाना हो पौधा तो उसमें ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कब बाद में लग जाए तो कितना? छोटे पौधे में 50 ग्राम, उदाहरण से ये सामने दिख रहा है, बता सामने देख रहे हैं, इसमें 50 ग्राम डाल सकते हैं। ये देखिए सामने एक पौधा आपको नजर आ रहा होगा, अभी देखिए मैं दिखाता हूं, गीला है ये, अभी डालकर भी दिखाएंगे ललन जी आपको। ये 50 ml है और पौधा को रिंग बनाना है, जड़ में नहीं डालना है। अच्छा, रिंग बना के डाल, रिंग बना के यानी पौधे से 6 इंची चारों तरफ। देखिए पहले सिंचाई हो चुकी है, अभी ये डाल रहे हैं, ये पानी का रिंग बना देना है 6 इंची यानी आधा फुट चारों तरफ। अच्छा, इसकी बिल्कुल जड़ में नहीं डालना, आधे फिट दूरी पर डालना है और गोल सर्कल में डालना है। गोल सर्कल में रिंग बना देना है, तो वो पूरा जड़ का विकास दूर तक होता है ना, तो दूर तक वो जड़ में ही पहुंचेगा। तो जैसे आपने ये सूखा है अभी, इसमें नहीं डाला है? नहीं डाला है। ये पौधे देखिए, अब ये इन्होंने सिंचाई की है तो इसमें डाल दिया है, हालांकि इसमें ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप में भी पहले एक बार ड्रिप से सिंचाई कर लें उसके बाद चलाएं, या साथ में ही चला सें? नहीं, पहले सिंचाई कर दें उसके बाद में वेंचुरी लगाएं, नमी बनी रहे, नमी बनी रहे। जी जी, तो देखिए कि ड्रिप में वैसे डाल सकते हैं वेंचुरी से, नहीं तो मैन्युअली डाल दें, आधा फिट छोड़कर सर्कल बना दें और पानी जब नीचे जाएगा तो दीमक उसकी स्मेल से, उसकी खुशबू से या उसकी गंध से चली जाएगी। ये आपका अनुभव है, ये प्राकृतिक तरीका है। जी जी, तो दोस्तों जैसा ललन जी ने बताया, मैं फिर से बता देता हूँ, 200 लीटर ड्रम में पानी डालिए, उसमें 100 ग्राम हींग का पाउडर डालना है, उसको लकड़ी के डंडे से 5 मिनट तक घुमाना है और फिर उसमें से छोटे पौधे में 50 ग्राम पानी, वो जो हींग वाला पानी है वो सर्कल में आधा फिट छोड़ते हुए जड़ को डालना है। अगर बड़ा पौधा है तो 100 ग्राम, और बड़ा पेड़ हो तो? बड़ी पेड़ हो तो 1 लीटर डालना होगा। छोटा पेड़ हो तो उसमें 250 ml और बड़ी पेड़ हो तो 1 लीटर, 1 लीटर जड़ के थोड़ा दूरी पर डाल दें, जहां दीमक लगी है वहां डाल, वहां डाल। तो इस तरह से आप नेचुरल तरीके से दीमक से फसलों का, फलों का बचाव कर सकते हैं। लगा हुआ हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, घर में दीमक लगा हो तो भी? तो भी चला जाएगा, चला जाएगा। दीवार सब में लग जाता है, चौखट की बाड़ में लगता है, उसमें पानी ये डाल दें, ये पानी का स्प्रे कर दें, स्प्रे कर दें, स्प्रे कर दें, अच्छी तरह से उसको भिंगा दें, तब उसी समय इंस्टेंट वो नीचे आ जाएगा, गिर जाता है। देखिए केवल पेड़ पौधों की बात नहीं है, घर में भी लकड़ी में दीमक लगा हो तो इस पानी का स्प्रे कर सकते हैं, ये इनका अनुभव है और उससे दीमक चली जाएगी, यानी कि आपको केमिकल या जहर नहीं डालना पड़ेगा, नहीं डालना। ये भी एक नेचुरल तरीका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।